आपको फिल्म आशिक बनाया आपने की ग्लैमरस हीरोइन तनुश्री दत्ता याद होंगी। 2008 में उन्होंने अभिनेता नाना पाटेकर पर गलत व्यवहार के आरोप लगाए थे। उसके बाद तनुश्री बॉलीवुड छोड़कर चली गई थी। अब 10 साल बाद तनुश्री लौटी हैं और एक बार फिर नए सिरे से नाना पाटेकर पर गंभीर इल्जामों की झड़ी लगा दी है। तनुश्री से बात की हमारी संवाददाता जोयता ने। तनुश्री दत्ता के साथ मेरी मुलाकात बहुत सालों के बाद हो रही है और आज जब हम बैठे हैं तो एक ऐसे मुद्दे पर बात करने बैठे हैं जिस मुद्दे पर हम 10 साल पहले भी बात कर चुके हैं। मैं वहाँ मौजूद थी, वहाँ पर इंटरव्यूज हम लोगों ने किए थे। उस वक्त तनुश्री की दिमागी हालत बहुत अलग थी और आज एक स्टेबल एक रूप में वो मेरे सामने है। तनुश्री, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ पर। थैंक यू सो मच जोयता। हम एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं। मेरी पहली फिल्म के वक्त से आप मुझे कवर कर रही हैं, आशिक बना के टाइम से आपने मेरी फिल्में कवर की है, आपने मेरे गाने कवर किए हैं, मेरे इंटरव्यूज़ कवर किया और मेरे कंट्रोवर्सीज को भी आपने कवर किया है। और आप थे उस हॉर्नो के प्लीज़ कंट्रोवर्सी के वक्त, आपने देखा कि मेरी मैं कितना डिस्टर्ब हो चुकी थी, कितने बुरी हालत में थी, कितना मैं टूट चुकी थी। और मैंने उस हालत में भी मैंने मीडिया से बात की, इंटरव्यूज़ दिए, उसका असर कुछ हुआ नहीं, वो अलग बात है। और आज 10 साल बाद हम वही हैं, वही हम फिर से हम और आप उसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं। ये मैं होप करती हूँ कि हमारे बाल, इससे पहले कि हमारे बाल सफ़ेद हो जाएं, हमें इसके बारे में तीसरी बार डिस्कशन ना करना पड़े। ये अचानक से हुआ या हम लोगों ने पूछा कि तनुश्री आप आती क्यों नहीं है, काम क्यों नहीं करती, बातों में ये जिक्र उठा और आज जो मुद्दा है, मैं जानना चाहूँगी तनुश्री एक बार फिर से अपने दर्शकों को अगर हम याद दिलाना चाहें क्या हुआ था। जैसा कि आपको पता है, आप तो उस कंट्रोवर्सी के टाइम पे आप सेट पर भी आप थे, आपकी टीम थी। नाना पाटेकर ने मुझे हरास किया सेट पे, बाहें पकड़ के मुझे इधर उधर खींच रहे थे, मुझे डांस सिखाने की कोशिश कर रहे थे। फिर मैंने नहीं, क्योंकि उनका सेट पे होना ही नहीं था, वो सेट पे क्या कर रहे थे ये आज तक किसी को समझ में नहीं आया है, क्योंकि वो मेरा सोलो डांस सीक्वेंस था। मैं इन चीज़ों को इतनी बार रिपीट कर चुकी हूँ कि इट्स एक्चुअली नाउ कमिंग आउट लाइक अ स्टोरी नरेशन। उसके बाद मैंने प्रोड्यूसर डायरेक्टर से कंप्लेन की कि मुझे इस बंदे से बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, ये कुछ ज़्यादा ही हद से ज़्यादा क्लोज आने की कोशिश कर रहा है, खींच रहा है, पुश कर रहा है मुझे, तो आप कुछ करिए। उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, उन्होंने एक और डिमांड रख दी कि अब आपको इनके साथ एक इंटीमेट स्टेप करना पड़ेगा और प्रेशराइज करने लगे कि आपको ये स्टेप तो करना ही पड़ेगा। तो मुझे बात समझ में आ गई कि यहाँ क्या हो रहा है, कि अब मुझे इनकी हरकतों से मैं कंप्लेन कर रही हूँ, तो अब इनके साथ मतलब उनका एटीट्यूड ये था कि तुम कौन होने वाली हो कंप्लेन कर, तुम्हारी क्या औकात है, तुम कंप्लेन कर रही हो इसकी हरकतों से, अब तो तुमको इसके साथ डांस स्टेप भी करना पड़ेगा। जहाँ पर सुनी नहीं गई आपकी? नहीं, उन देव ऑफ देयर एटीट्यूड, उनका रवैया बहुत 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 ही ख़राब था। वो सेट पे मैं परेशान हो रही थी और वो सेट पे कोने में जाके हंस रहे थे, मेरे बारे में कमेंट कर रहे थे, यू नो देयर एटीट्यूड वाज वेरी वेरी बैड। क्योंकि अब मैं वहाँ फंस चुकी थी, मैंने फिल्म साइन कर ली थी, मैंने गाना कमिट कर लिया था और हमारी इंडस्ट्री में सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि जब किसी हीरोइन ने कोई गाना या कोई फिल्म कमिट कर ली है और अगर सेट पे उसके साथ बदतमीजी हो रही है या कुछ, तो उसको चुपचाप सहना पड़ता है, क्योंकि अगर उसने कुछ भी बोला तो सबसे पहले ये लोग बोलते हैं कि अनप्रोफेशनल है, ये परेशान कर रही है, ये कोऑपरेट नहीं कर रही है। और आसान हो जाता है, बहुत आसान है, बहुत आसान है हीरोइन के बारे में बोलना, स्पेशली हमारे देश में किसी भी औरत के बारे में कुछ भी बोलना बहुत आसान है, क्योंकि हमारा जो कंट्री है इसमें कल्चर ही ऐसा है कि कोई आदमी कुछ भी किसी भी औरत के बारे में बोल सकता है। उस वक्त नाना पाटेकर के पास ज़्यादा फिल्में भी नहीं थी, मैं उस वक्त की बड़ी स्टार थी और मुझे उन लोगों ने गाने में इसलिए बुलाया था क्योंकि वो उनकी पिक्चर बिक नहीं रही थी, नाना पाटेकर थे उसमें, मतलब उनकी पिक्चर बिक नहीं रही थी। तो आइटम अगर मैं गलत ना हूँ तो उस वक्त आपकी ग्लैमरस रोल्स की काफ़ी चर्चा होती थी और मतलब यू कमिंग इन द फिल्म वो थोड़ा सा, बिकॉज आई वॉज अ ग्लैमरस एक्ट्रेस अटेंशन, तो वो भी एक चर्चा का विषय था। उन्होंने बोला कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, उनका ये स्टेटमेंट था कि यू नो मतलब उनका उनके कहने का ये था कि ये तो ग्लैमरस और सेक्सी एक्ट्रेस है, तो इसको किसी ने अगर थोड़ा परेशान कर भी दिया, छू भी लिया, तो क्या प्रॉब्लम है, यू नो।
बट हम जब फिल्में करते हैं और हम जब फिल्मों में सीन्स करते हैं या सॉन्ग्स करते हैं, वो सारा स्क्रिप्टेड होता है. वो कोई रियल लाइफ नहीं है कि मैं और इमरान हाशमी दोनों मतलब एकदम ये हो गए हैं. वो सारी कहानी है, वो सारा इल्यूजन है, वो सेट है. मतलब कैमराज है, 50 कैमराज है, हम एक्टिंग कर रहे हैं और आपस में जो फीलिंग होती है वो भाई बहन जैसी फीलिंग होती है, क्योंकि कोई केमिस्ट्री होती नहीं है. तो ये हमारे देश के लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है. आप लोग इतने इग्नोरेंट नहीं रह सकते हैं कि आपको लगे कि अरे हम जो स्क्रीन में देख रहे हैं वो सब सच है, सच में हो रहा है. इसका मतलब ये है कि मैं बहुत अच्छी एक्ट्रेस हूँ, बहुत टैलेंटेड एक्ट्रेस हूँ, कि मैं जो भी रोल निभाती हूँ स्क्रीन पे लोग उसको भी बिलीव कर देते हैं. बट दैट इज़ नॉट अ मेजर ऑफ माई कैरेक्टर. डोंट जज माई कैरेक्टर बेस्ड ऑन माई फोटोशूट्स. मैं अगर चाहे स्विम सूट भी पहनूँ फिल्मों में या फिर फोटोशूट्स में. मैं मिस इंडिया में गई हूँ, मिस यूनिवर्स में गई हूँ, तब मैंने मिस यूनिवर्स के प्लेटफॉर्म में स्विम सूट बिकिनी पहना था, तब किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई. क्यों? क्योंकि अमेरिका में जाके बिकिनी पहनी है. लेकिन इंडिया में अगर आप बिकिनी पहन रहे हैं या फिर शॉर्ट क्लोथ्स पहन रहे हैं तो सबको बहुत तकलीफ हो जाती है, यू नो. तो ये दो मुहा रवैया अब हमको ड्रॉप कर देना चाहिए कि गोरे लोगों के पिक्चरों में आप कुछ भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अपने देसी लोगों के पिक्चरों में अगर आपने शॉर्ट कपड़े पहन लिए तो ये लड़की चंट हो गई, यू नो. तो वो भी एक मुद्दा उठाया जा रहा था कि इस लड़की को क्यों परेशानी हो रही है, ये तो ऐसी है तो वैसी है. स्लट शेमिंग, लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ शेमिंग, विक्टिम शेमिंग. और उस वक्त तनुश्री, उस वक्त जब आप बात कर रही थी या क्लैरिफिकेशंस अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे रही थी, उस वक्त इंडस्ट्री से कोई नहीं सामने आया, किसी ने बात नहीं की या किसी ने सपोर्ट नहीं किया, वजह क्या मानती है? सामने तो कोई भी नहीं आया. मुझे उन्होंने फ़ोन करके कुछ आध लोगों ने मुझे सपोर्ट दी कि हम तुम्हारे साथ हैं, और कुछ आध लोगों ने फ़ोन करके मुझे भी बोला कि हम आपको फिल्मों में लेना चाहते हैं. एंड उसके लिए मैं आज भी उनका शुक्रिया करना चाहूँगी. लेकिन पब्लिक में सामने, सबके सामने किसी ने इस इंसिडेंट की आलोचना नहीं की, डिस्कशन नहीं किया, इस इंसिडेंट को पब्लिकली किसी ने कंडेम नहीं किया, विच वॉज वॉट वॉज शॉकिंग टू मी. बिकॉज जोयता, आई कम फ्रॉम अ वेरी एडुकेटेड बैकग्राउंड. मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जहाँ पे मैंने कभी भी अपनी माँ को भी सप्रेस होते हुए नहीं देखा है. मेरे परिवार में जैसे मेरे पिता हैं जो हमेशा वर्किंग रहे हैं, माय मदर हैज़ बीन अ हाउसवाइफ, बट मैंने हमेशा मेरी माँ को अपने पापा से कंधे पे कंधा मिला के जीवन व्यतीत करते हुए देखा है, और हमको भी उन्होंने वैसे ही बड़ा किया है. बचपन से मुझे कभी ये महसूस नहीं करवाया गया कि मैं लड़की हूँ और मेरी जबान और बंद रहनी चाहिए हमेशा, या मुझे अगर मेरी कुछ फीलिंग्स है, मुझे कुछ बोलना है तो मुझे चुप रहना चाहिए. मुझे कभी भी किसी लड़के से कम ट्रीट नहीं किया गया है. तो मेरे लिए उस माहौल, उस बैकग्राउंड से, आई कम फ्रॉम अ गुड बैकग्राउंड, फाइनेंशियली साउंड बैकग्राउंड, एडुकेशनली साउंड बैकग्राउंड, सोफिस्टिकेटेड बैकग्राउंड. सो फॉर मी टू कम फ्रॉम दैट बैकग्राउंड एंड सी दिस काइंड ऑफ मिसोजिनी, कि जस्ट बिकॉज आई एम कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग, आपने मेरे ऊपर ही, मेरे कैरेक्टर के ऊपर ही दाग लगाने शुरू कर दिए, उल्टी सीधी बातें शुरू कर दी. तो कितना आसान होता है, आपको लगता है कि अगर कोई लड़की कंप्लेन करेगी तो सामने वाला मान जाएगा, हाँ हाँ हमने हरास किया, या हाँ हाँ हमने मोलेस्ट किया, या हाँ हाँ हमने असॉल्ट किया, जो भी है. जब भी कभी भी ऐसा अगर माहौल तैयार होता है कि कोई लड़की आके सामने बोल रही है, ऑफकोर्स सामने वाला इंसान बंदा मानेगा नहीं. ऑफकोर्स उसकी टैक्टिक यही रहेगी कि सामने वाले को डिसक्रेडिट कर दें, सामने वाले के कैरेक्टर पे हम लुक्स निकालें. अपने आप को डिफेंड करेगा, और अपने आप को डिफेंड करने का तरीका ये रहेगा, जब चोर की दाढ़ी में तिनका होता है ना, तो वो अपने आप को वैसे ही डिफेंड करता है कि ये लड़की खराब है, इसी ने कुछ किया होगा, ये अनप्रोफेशनल है. तो वही चीजें हुई. तो नाना पाटेकर उसके बाद कुछ बोले? आपने कहा कि उन्होंने MNS को बुला लिया था वहां पर, जो ये सब तोड़फोड़ जो हुआ था वहां पे, तो उसके बाद कुछ बोले? जब आप इतनी सारी बातें हो गई, डिड यू फील कि नहीं कुछ हो गया है? मेरे साथ इंटीमेट सीन की रिक्वायरमेंट डिमांड करने के बाद कोरियोग्राफर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, तीनों के तीनों मुझे प्रेशराइज कर रहे थे कि तुमको नाना पाटेकर के साथ ये इंटीमेट सीन करना ही पड़ेगा. MNS पार्टी को बुलाने के बाद, MNS पार्टी आए, सबको पता है MNS पार्टी किस तरह की पार्टी है, गुंडागर्दी करती है. उनको एक 23 साल की लड़की को डराने के लिए आप बुला रहे हो तो आपको पता ही है कि आके मारधाड़ करेंगे, तोड़ताड़ करेंगे. ये सब करने के बाद जब एक जर्नलिस्ट ने सेट पे उनको कुछ पूछा भी नहीं था, वो जर्नलिस्ट बस वहाँ खड़े थे, वो कैमरा लेके खड़े थे, वो खुद ही कैमरा में आके बस उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, ये मेरी बेटी जैसी है. आई मीन,
ये है हिपोक्रेसी हमारे देश की, हमारे देश के लोगों की, मतलब क्या समझते हो, इतने बेवकूफ है क्या हम लोग? कुछ भी तुम स्टेटमेंट दोगे, बेटी जैसी है, बेटी जैसी है। तो पहले डे में जब मैंने बोला कि मुझे इसके बर्ताव से मुझे अनकंफर्टेबल हो रहा है, जो बंदा सच में सामने वाले को बेटी जैसी समझता है ना, उससे पहले तो किसी को अनकंफर्टेबल फील होगा भी नहीं, और अगर किसी ने बोला कुछ तो वो बहुत दूर चला जाएगा, इंटीमेट सीन की डिमांड तो करेगा ही नहीं। और डिमांड सिर्फ नहीं, प्रेशराइज किया जा रहा था मुझे सेट पे, सेट पार्ट बना दिया गया था। हाँ, सेट पर मुझे, मेरे मुंह पे मुझे अनप्रोफेशनल बुला रहे थे, मेरे मुंह पे कि यू नो यू आर नॉट कोऑपरेटिंग, यू आर बिहेविंग लाइक दिस लाइक दैट, प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे थे कि मैं करूँ उनके साथ वो सीन। वो बेटी जैसी फीलिंग होती तो वो इंटीमेट सीन कर खुद ही मना कर देते हैं कि नहीं मुझे इसके साथ कोई सीन नहीं करना। तनुश्री, आप एक जिस तरह के बैकग्राउंड से आई हैं, मिस इंडिया मतलब एक अलग ही लेवल से आई हैं, और उनके लिए फिल्मों में आना एक रास्ता होता है, एंड यू टुक दैट, शुरुआत अच्छी हुई थी। आपको लगता है कि उस दौरान भी आपको कभी कास्टिंग काउच या इस तरह की कोई बातें जो आपने कभी महसूस किया? नहीं, मेरी शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई थी और मेरी जर्नी भी बहुत स्मूथ थी। मैंने सुना है इस तरह की चीज़ों के बारे में, कास्टिंग काउच और वगैरह वगैरह, लेकिन मेरे साथ एक्सपीरियंस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं काम मांगने नहीं गई थी किसी के पास कि मुझे हीरोइन बना दो, मुझे फिल्मों में चांस दे दो। आई गॉट इट बिकॉज ऑफ माई टाइटल। मैं इनफैक्ट मिस इंडिया कॉन्टेस्ट के लिए, जब मैंने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट जीता, उसके एक महीने बाद मैं मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट के लिए चली गई कीतो इक्वाडोर। वहाँ पर मैं टॉप 10 में रही, और जब मैं मिस यूनिवर्स जीत नहीं पाई तो मुझे बहुत दुख हुआ था कि मैं मिस यूनिवर्स नहीं जीत पाई। वो मेरा सपना था मिस यूनिवर्स जीतना। फिर मैं थोड़ा दुखी होकर, मैं जब वापस आई इंडिया तो मैं रिकवरी कर रही थी मिस यूनिवर्स पैजेंट से कि ठीक है अब देखते हैं आगे का क्या होगा। 3 दिन बाद मुझे फ़ोन आने लगे, बॉलीवुड के मैनेजर्स मेरा टाइम्स ऑफ इंडिया से नंबर लेके मुझे फ़ोन करते थे कि आपको अगर फिल्मों में इंटरेस्ट है तो आपका फेस बहुत यू नो एक्ट्रेस जैसा है, इंडियन फेस है, आपको यू नो फिल्में बहुत मिलेंगी, आप प्लीज़ फिल्मों में काम करिए। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, अगर मीटिंग करवा सकते हो, किसी को कास्ट करना है तो नेकी और पूछ यू नो, दैट वॉज माई एटीट्यूड। ऑफकोर्स इट वॉज नॉट दैट आई वॉज नॉट सीरियस अबाउट वर्क, क्योंकि मेरे लिए कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आज अगर मैं अमेरिका में हूँ उसकी एक वजह है कि मेरा एटीट्यूड हमेशा से बहुत ही अमेरिकन रहा है। मैं किसी काम को, अगर मैं आइटम सॉन्ग शूट कर रही हूँ या फिर मैं एक छोटा सा रोल कर रही हूँ किसी फिल्म में, किसी छोटी फिल्म में काम कर रही हूँ, बड़ी फिल्म में काम कर रही हूँ, अगर मैं घर में झाड़ू भी लगा रही हूँ अपने घर में, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा है, और मुझे नहीं लगता है कि मैं कुछ भी करके मैं छोटी या बड़ी हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि मेरा जो अस्तित्व है, मेरा कैरेक्टर, मेरी सोच और मेरी विचारधारा से मैं छोटी या बड़ी होंगी। तो उस तरीके से मुझे जो भी ऑफर्स मिले इंडस्ट्री में, छोटी फिल्म में आइटम सॉन्ग्स जो भी मुझे मिला, मैंने एक एक करके लिया, मैंने काम शुरू कर दिया, एंड आई वाज हैप्पी अबाउट इट। ऑफकोर्स इच्छा थी कि किसी दिन मैं बड़ी फिल्मों में काम करूँ, बड़े हीरोज़ के साथ काम करूँ, अवार्ड्स जीतूँ, ये वो मन में आते थे आती थी बातें, लेकिन मौके नहीं मिले। तो जो मुझे मिल रहा था मैं उसी में मैं खुश होकर मैं काम कर रही थी, और एक मुझ में इट वॉज अ गुड स्टार्ट, इट वॉज रियली गुड स्टार्ट, यू नो इट वॉज स्मूथ, इट वॉज कम्फर्टेबल, अपॉर्चुनिटीज़ केम टू मी without even me ask knocking on those doors. So in that way I always feel like I have always been very blessed, and that is probably also the reason jab ye incident hua to my soul was shaken to the core, because mujhe laga are ye kya ho gaya mere sath, ye I didn't see myself as that person jiske sath aisi cheeze ho sakti hai. Hum news mein dekhte hain to kisi gaon mein you know ये सारी चीज़ें होती है कि लड़की ने मना कर दिया तो गुंडे भेज दिए, घर तोड़ दिया, गाड़ी तोड़ दी। इट वॉज एक्चुअली हैपनिंग विद यू, इट वॉज हैपनिंग विद मी, इट वॉज अ शॉक। मैं शॉक्ड हो गई थी कि ये क्या हो रहा है, मतलब पहले तो समझ में ही नहीं आया। तो इंसान का जब ईगो उसके मस्तिष्क से और उसके दिल से ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो यही होता है कि आप सामने वाले को देखते नहीं है कि आप सामने वाले को क्या तकलीफ पहुँचा रहे हैं। आपकी बात नहीं मानी तो मतलब आप कुछ भी। हाँ, उसके बाद आपने छोड़ दिया, लिटरली यू जस्ट सरेंडर्ड कि नहीं करना है, नहीं रहना है इंडस्ट्री में, एंड यू लेफ्ट फॉर व्हाट? यू नो ऐसा नहीं था कि ये एक दिन अचानक से मैंने डिसीजन लिया, क्योंकि आपको याद होगा हॉनू के प्लीज की पूरी कंट्रोवर्सी के बाद जस्टिस तो खैर मिली ही नहीं, किसी ने कुछ
किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा. लेकिन मुझे फिल्मों के बहुत पूरी इंडस्ट्री नेपोटिस्टिक है. ये पूरी इंडस्ट्री टैलेंट के बेसिस पे नहीं, नेपोटिज्म के ऊपर टिकी हुई है. काफ़ी टैलेंटेड लोग हैं ज़रूर और उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है. जो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये स्ट्रगल करके जब टॉप पे पहुंच जाते हैं तो ये भी नेपोटिज्म शुरू कर देते हैं. यू नो दे फॉरगेट वेयर दे हैव कम फ्रॉम. दे फॉरगेट कि ये भी एक दिन स्ट्रगल कर रहे थे कि इनके साथ अगर लोगों ने काम नहीं किया होता तो आज इस मुकाम पर नहीं पहुँचते. एक दूसरे के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? वट इज़ द रीज़न? बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर. इनके भी यू नो गिरेबान में कई सारे काले कौए होंगे. सो क्या पता है इनकी, हमने कहानियां तो बहुत सुनी है बॉलीवुड में सबके बारे में. ये जो पूरा इमेज बना के रखा है ये सब इज एन इमेज. मैं बोल रही हूँ ना, ये हमारे कंट्री में किसी को भी साधु संत बना सकते हैं. कोई भी साधु संत बाबा जी बन सकता है अगर थोड़ा सा दिमाग डाले, थोड़ा सा एफर्ट डाले, थोड़ा अच्छे से पीआर पैकेजिंग हो ना. कल मैं आपको प्रूव कर दूंगी. कल मेरे भी पीछे हेलो रहेगा, विंग्स रहेंगे और मैं बाबा जी माता बन के मैं आपको प्रूव कर दूंगी. सो दैट डज नॉट मीन कि ये सब दूध के धुले हैं. यू नो यू हैव टू यूज योर ओन इंटेलिजेंस, यू हैव टू यूज योर इंस्टिंक्ट एंड योर ब्रेन, गॉड गिवन ब्रेन टू सी. एंड If somebody has come forward to complain, don't just dismiss कि अरे तू झूठ बोल रही होगी. अरे क्यों भाई, सच बोल रही है तो? आपको सब कुछ पता है कि आप अंतर्यामी हो क्या? हाँ तनुश्री दत्ता अभी एक हैप्पी स्पेस में है, अभी क्या कर रही हैं? अब आई एम श्योर आपके बहुत सारे फैंस हैं जो अभी भी जानना चाहते हैं कि बहुत वक्त हो गया है आप यहाँ नहीं आई हैं, और अगर आई हैं मुलाकात हो रही है तो मैं भी जानना चाहूँगी. आपने जो सवाल पूछा था कि मैं कैसे धीरे धीरे निकली, उसका मैं जवाब देना चाहूँगी कि मेरा दिल इतना टूट चुका था. मेरी माई स्पिरिट वॉज ब्रोकन बिकॉज ऑफ दिस. जब मैंने पूरा एटीट्यूड देखा लोगों का इंडस्ट्री में, कंट्री में, हर जगह एक एटीट्यूड जो आपको दिखता है, आपको लगता है ये तो सो डेंस इट इज़. इतना जमी हुई मैंटेलिटी है कि सच और झूठ में इनको फ़र्क करना अभी नहीं आया है. एक पुरानी पद्धति चल रही है कि कोई लड़की कुछ बोले तो बस उसको ट्रैश कर दो. तो मुझे इच्छा नहीं हुई कि मैं बॉलीवुड में वापस काम करूं. डर भी एक बैठ गया था मन में. जब भी फिल्मों के ऑफर्स आते थे तब मेरे मन में सबसे पहले ये बात आती थी कि शायद ये वापस अगर फिर से होगा तो आई नीडेड टू हील. मेरी अंतरात्मा को ये जो झटका लगा था इससे मुझे उभरना ज़रूरी था. क्योंकि अगर मैं इस माइंडसेट को लेकर दूसरी किसी फिल्म सेट में जाती तो या फिर तो मैं उस चीज़ को अट्रैक्ट करती अपनी लाइफ में या फिर परेशानी रहती. यू नो सो आई डिसाइडेड टू स्टे अवे. आई हैड अ वेरी ब्यूटीफुल एनकाउंटर विद गॉड. मेरा एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस 2009 में हुआ जिसकी वजह से मेरी दिशा बदल गई. उसके बाद मैंने योग साधना में अपने आप को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट किया. मैंने बुद्धिज़्म की स्टडीज़ की, मैंने हिंदुज़्म की स्टडीज़ की, मैंने बाइबल स्टडीज़ की, मैंने इन अलग अलग धर्मों के थ्रू मैं बोल रही हूँ ना बाबा जी बनना बहुत डिफिकल्ट नहीं है हमारे देश में. ये सारे डिफरेंट रिलीजन्स मैंने स्टडी किए. क्योंकि जब आपके साथ इस तरह का कुछ हो जाता है आप हमेशा पूछते हैं कि वाई मी. यू नो जब मैं मिस इंडिया जीती थी मैंने नहीं पूछा था वाई मी. यू नो तब तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ ठीक है मैं बहुत अच्छी होंगी. मतलब अच्छा आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, बुरा क्यों नहीं? हाँ बुरा जब हो जाता है वो इतना धक्का लगता है. जब अच्छा होता है तो आप इतने खुश होते हैं, इतने एक्सपैंडेड स्टेट में होते हैं, मिस इंडिया का ताज पहना है, मिस यूनिवर्स में जा रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं. तो कोई अपने आप से भी नहीं पूछता, ईश्वर से भी नहीं पूछता है कि मुझे क्यों चुना. यू नो हालांकि मैंने वो भी सवाल पूछा था ईश्वर से मिस इंडिया के बाद. क्योंकि मैंने जब देखा कि सारी लड़कियाँ इतनी खूबसूरत है और सभी टैलेंटेड है और सभी इतना अच्छा यू नो बोलते हैं तो मैंने वो सवाल पूछा था गॉड से कि वाई मी. तो गॉड ने बस यही जवाब दिया था कि बस ऐसा ही है. जवाब मुझे मिला नहीं था तो. लेकिन जब ये भयानक हादसा हुआ तो मैंने फिर से सवाल पूछा कि वाई मी. तो अब उस वाई मी का भी आंसर नहीं मिला लेकिन आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दैट. आई वॉन्टेड एन आंसर एंड आई वॉन्टेड माई पीस बैक. द स्पिरिचुअल पाथ हेल्प मी एंड इस वजह से भी मैं थोड़ा दूर रही क्योंकि मुझे वहाँ सुकून मिलता था. मैं फिल्मों के बारे में सोचती थी, फिल्म सेट में जाने के बारे में सोचती थी तो मेरा दिल धड़कने लगता था. मुझे क्राउडेड प्लेसेस डरा दिया था आपको? या मुझे डर लगता था इवन भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने के लिए. क्योंकि ये जो मॉब अटैक हुआ था, मॉब लिंचिंग जिसको आज कहते हैं कि सारे
गुंडों ने अटैक कर दिया हमारी गाड़ी को, मैं और मेरे मम्मी डैडी गाड़ी के अंदर थे, उनको चोट लग जाती। तो मैं उसके बाद से जब मैं किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी जाती थी तो मैं फ्रीज हो जाती थी, मैं मतलब आई यूज टू गेट फ्रोजन आउट ऑफ फियर। तो ये इन सारी चीज़ों से मुझे उबरना ज़रूरी था, क्योंकि आज अगर आपने जैसे बोला कि आप फ्रेश लग रही हैं, आप खुश लग रही हैं, लेकिन इस फ्रेशनेस और खुशी को दोबारा पाने के लिए कई साल लग गए, कई कई साल लग गए। और ये मैं चाहती हूँ कि लोग समझें कि आप जब कोई खड़ा होकर बोल रहा है आपको तो डोंट जस्ट डिसमिस इट, क्योंकि उसके साथ अगर कोई घटना घटी है उसके कितने इम्प्लिकेशंस है, कितना असर अलग अलग डायमेंशंस पे असर होता है, सिर्फ शरीर पे नहीं, सिर्फ दिमाग पे नहीं, मस्तिष्क पे, दिल पे, आत्मा पे असर होता है। तो अगर हम नहीं बोल रहे हैं कि आप मानो किसी की बात, लेकिन अगर आप सुने एंड यू हियर विद एन अनबायस्ड पर्सपेक्टिव, यू विल सी द सेंस इन इट। मैक्सिमम लोगों की टेंडेंसी ये है, पहले से ही बायस्ड रहते हैं, उन्होंने सोच के ही रखा है कि लड़की झूठ बोल रही है। तो चाहे किसी देश के किसी भी कोने में कुछ भी हुआ हो, चाहे रेप हुआ हो, चाहे गैंगरेप हुआ हो, चाहे मोलेस्टेशन हुआ हो, चाहे हरासमेंट हुआ हो, अगर आपने सोच के ही रखा है कि लड़की हमेशा झूठ ही बोलती है, तो क्या बंदे को क्या करना है आपको प्रूफ करने के लिए कि इंसान सच बोल रहा है? वो इंसान विक्टिम तभी सच बोलता है जब वो मुर्दा होता है। अब वो जब किसी की मर्डर हो जाता है तो प्रूफ हो गया ना, डेड है इंसान, मर चुका है, उसको आप नहीं बोलोगे कि वो झूठ बोल रहा है कि नहीं, मृत्यु नहीं हुई है, दिख रहा है डेड बॉडी। लेकिन इस तरह की जो इंसिडेंस होती है वो आपके शरीर को नहीं मारती है, वो आपकी आत्मा को मारती है। अब उसको प्रूफ करना, लेकिन अगर आप सुने भी ना, अगर आप सुने भी ना, अगर आपने डिसाइड करके रखे नहीं नहीं चुप, यू नो व्हाई यू डोंट वांट टू लिसन, बिकॉज यू आर अनकंफर्टेबल। मुझे लगता है कि हमारे देश में ये इतनी रिप्रेस्ड जनता है कि एक तो इतना ज़्यादा कल्चर, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे देश का ही है, तो समझ जाइए यू नो क्या कल्चर है। सेकंड थिंग इज योर रिप्रेशन हैज़ मेड यू इनसेंसिटिव, यू आर सो अफ्रेड ऑफ एडमिटिंग द इश्यूज दैट आर हैपनिंग, यू आर सो अफ्रेड ऑफ दीज वर्ड्स, हरासमेंट, अब्यूज, रेप, यू सो अफ्रेड ऑफ इट दैट व्हेन बात ही नहीं करनी है मतलब, लेकिन तुमको नहीं पता, बिकॉज तुम उस चीज़ से नहीं गुजरे हो, तुमको नहीं पता है कि उसके कितने रिपरकशंस होते हैं एक इंसान पर। माइंड वॉज अ केस ऑफ हरासमेंट, इवन देन इट पुट सो मच ट्रामा इन माई माइंड एंड हार्ट, आई कैन ओनली अंडरस्टैंड एंड इमेजिन वट मस्ट बी हैपनिंग टू अ रेप सर्वाइवर। सो इफ यू आर नॉट विलिंग टू लिसन टू समबडी, यू आर नॉट हेल्पिंग देम हील, एंड दैट इज सच एन इनसेंसिटिव वे ऑफ गोइंग थ्रू लाइफ। एंड इस देश में एवरी वुमन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ द अदर, किसी ना किसी वक्त पे हर औरत को या फिर ईव टीजिंग या फिर हरासमेंट का सामना करना पड़ा है। तो अगर आप इसको अनदेखा करना चाहते हैं, मतलब आप अपने एक्सपीरियंस से अपने आप को अनदेखा करना चाहते हैं, क्योंकि आपको अपना ही एक्सपीरियंस आपको एडमिट नहीं करना है। डोंट लिव इन इग्नोरेंस, जब आप किसी और को आप डिसमिस कर रहे हो, जब आप किसी और को की बातों को आप सुनना नहीं चाहते, मतलब आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ भी हुआ है। हुआ वी फूलिंग, वी ऑल लिव्ड इन दिस कंट्री, हम सब इस देश में पैदा हुए हैं, हम सब ने बस में गए हैं, हम सब ने ट्रेन्स ली हैं, हम सबको पता है कि बस और ट्रेन्स में लोग कैसे बिहेव करते हैं, पता सब कुछ है, लेकिन बोलना है नहीं बोलना है ये आपकी मनस्थिति है। और अगर बोले तो हाँ, आप नहीं बोलना चाहते अपने बारे में, लेकिन जो दूसरा कोई बोल रहा है उसको ट्रैश मत करो ना, उसको मत बोलो झूठ बोल रहा है, तो तुम येड़ा किसको बना रहे हो तुम। बहुत सारी औरतें ऐसी हैं, लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन यू आर टेलिंग ऑल्सो समटाइम्स इन द मीडिया ऑल्सो, यू नो उनका एटीट्यूड ऐसा रहेगा कि हम तो मतलब आई डोंट इवन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, यू नो अच्छा यू नो and I'm looking into their eyes, I'm like, babes, don't you know you've not gone through harassment, I'm pretty sure you have, you've not traveled in a train before, you've not traveled in a bus before, you've not walked on a street where some boys have made some nasty comment and eve teased you, who the hell are you showing, you know, tum matlab aasman ki pari ho, kahin se tapke ho, you know ki tumne kabhi aisa experience nahi kiya hai, when you're talking to them you can see it, like right now we're talking, we are communicating, you understand what I'm talking about, there are some people that you talk to, they pretend like
अच्छा अच्छा फिर क्या हुआ, यू नो, नो डूड डोंट प्रिटेंड, लाइक सीरियसली यू हैव चोजन टू इग्नोर योर हरासमेंट एपिसोड डजंट मीन आई एम गोना इग्नोर इट बिकॉज दिस इज ऑल्सो द टाइम वेन वी हैव टू स्पीक अबाउट इट. बिकॉज अनदर रीजन आई डोंट वॉन्ट टू इग्नोर इट इज पिछले 10 साल से मुझे ट्रैश किया गया है यार. मैं अमेरिका में हूँ एंड आई रीड आर्टिकल्स अबाउट माई सेल्फ इन इंडिया अभी भी. तो या फिर तो तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया होता, ठीक है, कि चलो उसकी आवाज़ हमने दबा दी, उसकी बातों को सीरियसली लिया नहीं, उसको हमने झूठी और स्लट शेमिंग वगैरह करके हमने उसको यू नो दूर कर दिया एंड वी आर से लिटरली निकाल दिया, हम कह सकते हैं, बोला नहीं, बिना ना बोलते हुए ऐसा सिचुएशन आपने बना. हाँ, मतलब आई कुड फील लाइक आई एम नॉट रियली वेलकम. ऑफर्स मुझे आ रहे थे बट यू नो दिस एटीट्यूड शोज यू नो एक्शन स्पीक लाउडर बाहर से आने का एक ये रिपरकशन होता है आपको लगता है? बाहर से आने का प्रॉब्लम बस ये है कि जो इंडस्ट्री के बच्चे होते हैं, एक तो उनके साथ इस तरह की हरकत कोई करेगा भी नहीं क्योंकि मम्मी जी, डैडी जी, अंकल जी, यू नो वो एक वो रहता है. और दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर इफ दे एट ऑल दे स्पीक अप देन उनको सपोर्ट भी मिलता है. और दूसरी चीज़ ये है कि अगर उनको कोई तकलीफ भी होती है तो मम्मी जी, डैडी जी सट पे आ जाते हैं तकलीफ को सॉल्व करने के लिए. और सामने वाला भी लगता है अरे ये तो बड़े प्रोड्यूसर की बेटी है, बड़े एक्टर की बेटी है, तो वो एक माहौल ही साइकोलॉजी अलग होती है फिल्म इंडस्ट्री में. सो माई पॉइंट इज कि आप लोग बोल रहे हैं ना कि वाई इज शी ब्रिंगिंग अप दिस इशू अगेन, या फिर तो तुम लोग मुझे अकेला छोड़ देते हैं क्योंकि मैं तो योग ध्यान कर रही थी, मुझे कोई पढ़ी रही थी बॉलीवुड की क्या हो रहा है यहाँ पे. मैंने अपने आप के अंदर ही एक ईश्वरत्व जैसा सुकून मैंने प्राप्त कर लिया था जहाँ पे मुझे फिल्मों की ज़रूरत नहीं है, मुझे फेम की ज़रूरत नहीं है. मैंने तो अपना सर भी मुंडवा लिया था बुद्धिज़्म करते वक्त, योग साधना करते वक्त, मैं गेरुए कपड़े पूरे सब, आई वॉज फुल ऑन इन द स्पिरिचुअल पाथ, यू नो. मैंने जिस भी धर्म में मैंने एंट्री मारी उस पूरे धर्म को मैंने निचोड़ के उसका रस निकाल लिया. सो आई वॉज वेरी हैप्पी इन दैट परसूट. तुम लोगों ने मुझे छोड़ा नहीं. और आज भी पूछ रहे हैं. हाँ, तुम लोग मेरे को मेरे पास आते हो, मेरे बारे में आर्टिकल्स लिखते हो एंड यू नो द नरेटिव इज कि देखो देखो हमने उसको भगा दिया, देखो देखो नाना पाटेकर के ऊपर उसने एलिगेशंस लगाए. तो यू गाइज आर द वंस हु आर बिहाइंड मी. तो या फिर तुम मुझे अकेला छोड़ दो और या फिर अगर तुम ललकारोगे तो मैं भी उसका जवाब देने वाली हूँ. सो मेक अप योर माइंड, यू नो. आज बोल रहे हो ना वाई आर यू स्पीकिंग. If you keep instigating me and if you keep putting a very sad narrative, you know, like I want to change that narrative because I don't give a shit. I don't give a shit about anything because I have found something that you guys have not. With all the fame and the adulation and everything, you know, you don't have what I have. So I was happy with that. I was happy having what I have and I was nicely doing my own thing. You kept writing articles about me and spinning this whole narrative, still slut-shaming me. So I'm not just going to keep quiet, right? Movements aise hi start hote hain. To main koi sant mahatma to hu nahi, you know. Likho, main honestly admit bhi kar rahi hu ki mere khud se mere ujagar hua ki main ab ye movement shuru karungi. Tumne mere upar dala to fir main bolungi, ab to main fir bolungi. Jitne gade murde mujhe ukhadne honge main sare ukhad ke samne laungi. To ya fir to tum mujhe akela chhod do aur ya fir agar तुमको ललकारना है तो फिर झेलो, फिर तुम मेरे भी वार झेलो. आज तनुश्री दत्ता कहाँ है? मैं अमेरिका में रहती हूँ, मैं न्यू जर्सी में रहती हूँ. मैं 2 साल हो गए मुझे अमेरिका शिफ्ट किए हुए. मैं बहुत खुश हूँ वहाँ पे. वहाँ की ज़िंदगी बहुत अलग है और सुकून है, बहुत सुकून है. क्योंकि वहाँ का जो इको सिस्टम है, वहाँ का जो कल्चर है बहुत ही प्रोग्रेसिव है और जो थॉट प्रोसेस है लिव एंड लेट लिव वाला थॉट प्रोसेस है. और हालांकि मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारे देश के लोगों को लगता है कि अमेरिका बहुत ज़्यादा मॉडर्न है और ये लोग बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है, ऐसा कुछ नहीं है. अमेरिका में कंजर्वेटिव लोग भी हैं और वो ऐसा देश है जब जो जिसमें आप जब जैसा आप रहना चाहें आप वैसे रह सकते हैं. तो कोई जजमेंट नहीं है, कोई शेमिंग नहीं है. हाँ, और बस आप लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करें. अमेरिका में अगर आप लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हैं तो आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से यू नो बीत सकती है. मुझे वहाँ पे मैंने जॉब्स भी किए, मैंने काम भी किया. सो यू नो इट्स रियली नाइस स्टेइंग देयर. मुझे वहाँ का ग्रीन कार्ड मिल चुका है, मैं परमानेंट रेसिडेंट हो गई हूँ.
और शायद कुछ सालों में सिटीजन भी बन जाऊंगी। तो मेरी ये ज़िंदगी है, बहुत ही अच्छी ज़िंदगी है। और ये मैं जब भी इंडिया आती, मैं आपको बता रही थी, मुझे लगता है कि जब मैं इंडिया आई हूँ, मैं मुझे लगता है कि मैं बिग बॉस के घर में आ गई हूँ। मुझे लगता है ये पूरा देश जो है यही एक रियलिटी गेम शो है, क्योंकि यहाँ पे इतना ड्रामा बिग बॉस चल भी रहा है। हाँ, और खबरें भी आई थी कि मैं जाने वाली हूँ, तो उसके वजह से मैं कहना चाहूँगी कि मैं ऑलरेडी बिग बॉस में हूँ। यू नो, मैं ऑलरेडी इस देश में हूँ जो एक रियलिटी गेम शो जैसा ही है। यहाँ पे जो आए दिन कुछ ड्रामा हो रहा है, कुछ नई चीज़ शुरू हो जाती है, कुछ मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, फिर यू नो ऑल दीज थिंग्स। अब जो इट्स एंटरटेनिंग फॉर मी, यू नो, ऑनेस्टली सोशल मीडिया पे अब लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं, आई एम टेकिंग इट ऑल एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। क्योंकि जब मैं अमेरिका में रहती हूँ तो मेरी ज़िंदगी इतने सुकून से बीतती है कि मैं सुबह उठती हूँ, अपनी चाय बनाती हूँ, बाहर जाती हूँ, बहुत ग्रीनरी है, बहुत सारे बर्ड्स हैं, एनिमल्स, खरगोश और ये एनिमल्स हैं। मैं यू नो आई जस्ट स्टैंड देयर लुकिंग एट, यू नो, थैंकिंग गॉड फॉर दिस वंडरफुल लाइफ दैट आई हैव, यू नो, क्लीन एयर, नो पोल्यूशन, एंड इट्स जस्ट अ डिफरेंट लाइफ, यू नो। एंड यहाँ पे सारा सब हिंदी फिल्मों जैसा, टीवी सीरियल जैसा यहाँ पे ड्रामा हमेशा चल रहा होता है। और आपको अगर एक बार फिर से बुलावा आए हिंदी फिल्मों की तरफ से, क्योंकि अब तो 10 साल लिखे थे ना, एक डेकेड बीत गया है, आपका क्या रिएक्शन? हाँ, आई डोंट नो, बट सीरीज है, तो चीजें भी बहुत बदल गई हैं वैसे। मेरा मुझे मुझे कभी कभी लगता है कि मेरा मन बदल गया है, यू नो, मेरे अंदर से वो इच्छा और उतना ज़्यादा जो पैशन हुआ करता था किसी ज़माने में एक्टिंग को लेकर, वो अब नहीं रहा। लेकिन अगर मुझे सामने से ऑफर आएगा तो लाइक आई सेड, अपॉर्चुनिटीज जब मेरे पास आते हैं तो मैं, अगर अच्छे लोग आ रहे हैं और अगर अच्छा काम लेके आ रहे हैं और अगर मेरे टाइमिंग को सूट करता है, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ आध महीनों के लिए हूँ, उसके बाद नेक्स्ट ईयर आऊँगी 6 महीने के लिए, तो अगर सूट करता है और अगर ईश्वर की मर्जी है कि मैं वापस रिटर्न करूं, तो फिर वाई नॉट। लेकिन मैं ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश कर रही हूं, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, मेरी मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। आज मैं ऐसी जगह पे हूं जहां पे आई एम इन अ हैप्पी स्पेस, या सो और मैंने बॉलीवुड का ड्रामा देख चुकी हूं, तो अगर अगर ऊपर वाले की मर्ज़ी होगी और अगर कुछ और प्लान होगा, तो मैं उस यू नो किसी और अलग रास्ते में भी जा सकती हूँ, शायद ईश्वर की कोई और मर्जी है, हु नोज। थैंक यू सो मच तनुश्री, और बातें जो है ना वो खत्म करने नहीं मन करता, बिकॉज यू टॉक एंड इफ यू नो समबडी लाइक सो वेल, इतने सालों से लगता है कि कितनी ही सारी बातें मैं पूछ सकती थी। थैंक यू सो मच, प्लेजर मीटिंग यू, माय प्लेजर जोयता। रियली हैप्पी कि आपने खुल करके इतनी सारी बातें मुझसे इंटरव्यू से। यू नो जोयता, आई वॉन्ट टू से दिस टू ऑल द पीपल दैट आर लिसनिंग टू मी, कि मेरी जो जर्नी रही है ना, वो बहुत ही उतार चढ़ाव वाली जर्नी रही है। आज आप मुझे देख रहे हैं, मैं हंस रही हूँ, मुस्कुरा रही हूँ। इनफैक्ट कुछ लोगों का सोशल मीडिया में वो भी प्रॉब्लम था कि ये हरासमेंट के बारे में बोल रही है तो इतनी खुश, इतनी इतनी पीसफुल कैसे हैं, मतलब वो चाहते हैं कि मैं, नो आई एम नॉट दैट पर्सन एनी मोर। एक टाइम था जब मैं बहुत डिस्टर्ब हो चुकी थी, एक उम्र भी थी, तो आज मैं एक बहुत ही अच्छे स्पेस में हूँ, और आज जो मैं नरेट कर रही हूँ वो एक कहानी नरेट कर रही हूँ जो मेरे पास्ट में हुई है। वाई? बिकॉज आई वॉन्ट टू इंस्पायर अदर पीपल हु आर लिसनिंग टू दिस, कि आज अगर आप डिस्टर्ब्ड हैं और आज अगर आपकी कोई बात सुन नहीं रहा है, एक दिन ज़रूर आएगा जब आप भी विथ पावर यू आर गोइंग टू स्पीक योर ट्रूथ एंड पीपल विल हैव टू लिसन। सो बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स वेन नोबडी लिसन्स टू यू, वेन people try to prove you a liar, you get depressed, you get into a dark space, you know. So ye jo mind ke utar chadhav hai, main un sabhi cheezon se guzar chuki hu, to isliye aaj mujhme sukoon hai ki koi kuch bhi bol raha hai, mujhe farak nahi padta. Tum us waqt unhone jis tarah ki kharab baatein ki thi mere bare mein, aaj usse 10 guna kharab baatein kar lo, mujhe koi farak nahi padne wala hai. Main ghar ja ke, you know, chaat kha ke sone wali hu. तो जितना कुछ लिखना है सोशल मीडिया पे लिख दो, कितना तुम्हारे दिमाग का गंद है, तुम्हारे दिल का जितनी दिल की जितनी गंद है, सारा निकाल दो सोशल मीडिया पे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं तो पढ़ने भी नहीं वाली हूँ। मुझे बस सुनने में आया है कि हाँ कुछ ट्रोलिंग हो रही है, आई एम नॉट इवन रीडिंग दोज, आई डोंट गिव अ शिट,
But there are people who are not in that position of strength and power, and I've had to work towards that, and I was blessed, God helped me. So I'm hoping to inspire and motivate other people that, you know, you are going to make it through this, and this darkness is not going to last for long. Someday people have to listen to you. They cannot get away. ये है ABP News, आपको रखे आगे.